फ्लावर्स बोटैनिकल्स का विटामिन सी रेंज का मैट फ्लूड सनस्क्रीन। ये एक न्यू लॉन्च है लोटस बोटैनिकल्स की तरफ से, और इससे पहले जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने सेम रेंज का मॉइस्चराइज़र आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो उसी रेंज का ये सनस्क्रीन जो है इसका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि जैसे कि इसका नाम है मैट फ्लूड, तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑयली स्किन वाले लोग जो है वो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट भी कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेजिंग की। तो ये वाला सनस्क्रीन जो है हमें ट्यूब फॉर्म में मिलता है, इसका मॉइस्चराइजर जो है वो पंप फॉर्म में मिलता था। तो इस तरह से ये ट्यूब है और 75 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है इसमें। 645 रुपीज़ है इसका MRP। तो इस तरह से है ये ग्रीन एंड वाइट कलर की, और गोल्डन कैप है इसकी। लोटस बोटैनिकल्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उसमें ये मेंशन किया होता है कि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ये सर्टिफाइड सेफ कॉस्मेटिक्स है, और इसमें कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स एंड ऑल नहीं है। और जैसे कि इसका मॉइस्चराइजर था वैसे ही ये सनस्क्रीन जो है ये भी ऑल स्किन टाइप्स के लिए। अब मैं ड्राई स्किन टाइप हूँ, मैंने भी इसे ट्राई किया और रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ, तो आप लोग आगे ज़रूर देखना कि मेरे क्या व्यूज़ हैं इसके लिए। तो इसमें हमें SPF मिलता है 50, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, क्योंकि हमें हमेशा SPF 50 या फिर इससे ज़्यादा वाला SPF ही यूज़ करना चाहिए। तो इसमें भी सेम चीज़ें मेंशन है कि ये नॉन कोमेडोजेनिक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और पैराबिन फ्री है। ये सब भी मेंशन है कि इसमें कोई भी सल्फेट्स नहीं है, एंटी पोल्यूशन है, मिनरल ऑयल फ्री है, 100% वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमें लोटस बोटैनिकल्स के प्रोडक्ट में मिलती हैं। और गाइस ये विटामिन सी रेंज का है, तो इसमें हम लोग को 300x विटामिन सी मिलता है विद SPF 50, जो कि हम लोग की स्किन को डैमेज होने से, UV रेज से, सन डैमेज से, इन सब से प्रिवेंट करता है। तो सभी डिटेल्स जो हैं ये इस प्रोडक्ट पे मेंशन है इसकी। अब गाइस अगर मैं इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो हल्की सी स्ट्रांग है, तो जो लोग भी फ्रेग्रेंस को लेके एलर्जिक हैं या जो लोग को पसंद नहीं है कि उनके स्किन केयर प्रोडक्ट्स में फ्रेग्रेंस हो, तो वो इसे लेने से पहले एक बार सोच लें। और गाइस अगर इसके कलर की बात करूं तो इसमें हल्का सा कलर ऐड किया हुआ है, जैसे BB क्रीम का होता है उस तरह का है इसका कलर। आप लोगों को एक बार इसका डेमो दिखा देती हूं ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि अप्लाई करने के बाद कैसा हो जाता है और हमारी स्किन में कितनी जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल हल्का सा आप देख सकते हैं लाइट सा इसका ऑरेंज शेड है इसका। इसे आप लोगों को थोड़ी देर तक अपनी स्किन में मसाज करना होगा ताकि ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में। और मोस्टली सनस्क्रीन्स में आपने देखा होगा लोटस के इम्पैक्ट कि उनमें ऐसा हल्का सा BB क्रीम जैसा इफेक्ट होता है, तो इसमें भी सेम चीज़ है। हल्का सा आप लोगों को वाइटनिंग इफेक्ट इसमें दिख रहा होगा, बट इसे अच्छे से आप पूरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब करवाओगे तो ये विजिबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं हल्की सी लाइट हुई है स्किन, बट ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रही है, ये इस तरह से है और कम्प्लीटली ये देखो एब्जॉर्ब होने के बाद एकदम मैट हो गया है। तो गाइज अब जल्दी से इस प्रोडक्ट के बारे में मैं अपना पर्सनल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसे मैं लास्ट 3-4 दिन से यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपनी स्किन में नोटिस किया कि बिल्कुल भी टैनिंग नहीं हुई है इसे यूज़ करने के बाद। मैंने पहले भी बहुत से सनस्क्रीन्स ट्राई किए हैं बट उन्हें अप्लाई करने से टैनिंग मुझे दिखती है अपनी स्किन पर, बट इस प्रोडक्ट से ऐसा नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्लस पॉइंट है इस प्रोडक्ट का। तो अगर आप लोग को भी टैनिंग वाला इशू है तो आप इस प्रोडक्ट को डेफिनेटली ले सकते हैं। रही बात मॉइस्चराइजिंग की, तो ये हल्का सा मेरी स्किन के लिए कम मॉइस्चराइजिंग था। मुझे ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग वाले सनस्क्रीन्स चाहिए होते हैं क्योंकि मेरी बहुत ड्राई स्किन है, बट इस प्रोडक्ट को मैं मॉनसून टाइम पे ज़रूर यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि ये कम्प्लीटली मैट है और उस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप लोग डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, ये आप लोगों के लिए मस्ट हैव प्रोडक्ट है। तो यही था इस पूरे प्रोडक्ट के बारे में ये छोटा सा रिव्यू। आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहेगा।